इस वीडियो में हम कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते और कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर को निम्नलिखित तीन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला नंबर अनुप्रयोगों के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा साइज के आकार पर। इसके बाद अनुप्रयोग आधारित, इसमें अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर को पांच प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, प्रकाशीय कंप्यूटर, कवटन कंप्यूटर। तो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल का अर्थ होता है अंक। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आंकड़ों अथवा प्रोग्रामों को जीरो तथा एक के रूप में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी निर्देश तथा आंकड़े बाइनरी डिजिट के रूप में सुरक्षित होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। तो चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपी किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर सूचनाओं को भौतिक रूप में स्वीकार करता है, जैसे तापमान, दाब इत्यादि के रूप में। एनालॉग कंप्यूटर में लगातार संकेत के रूप में सूचनाएं मिलती रहती हैं, जिससे यह परिवर्तित करके आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करता है। स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, सन डायल, थर्मामीटर इत्यादि एनालॉग उपकरण हैं। एनालॉग कंप्यूटर की स्मृति कम होती है। इन कंप्यूटरों में 100% शुद्धता नहीं मिलती। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों को सम्मिलित रूप है। इनका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र के बड़े उद्योगों और व्यावसायिक उद्योगों में किया जाता है। ECG एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। और चलते हैं चौथे नंबर पर, प्रकाशीय कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जो डिजिटल घटनाओं को संपादित करने हेतु दृश्य प्रकाश या आवर्तक बीमों द्वारा उत्पन्न फोटोनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें प्रकाशीय कंप्यूटर कहते हैं। उल्लेखनीय है कि पारंपरिक कंप्यूटरों में गणनाओं हेतु इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की तुलना में फोटोनों के प्रयोग से उच्च वैद्युत प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन्हें फोटोनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 5 पर, क्वांटम यांत्रिकीय पद्धति पर कार्य करने वाले कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं। क्वांटम व परंपरागत कंप्यूटर में सूचनाओं को युग्म अंकों या बिट्स 0.01 के रूप में कुटुबंध पर उन्हें संग्रहित किया जाता है। एक सामान्य कंप्यूटर में प्रत्येक बिट एक स्विच होता है, जो या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। क्वांटम कंप्यूटर में ये स्विच ऑन या ऑफ हो तो होते ही हैं। साथ ही इनकी एक तीसरी अध्यारोपित स्थिति होती है, जिसमें वह एक साथ ऑन या ऑफ हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त विशेषता के कारण ही क्वांटम बिट या क्यू बिट परंपरागत बिट की तुलना में अधिक सूचनाएं कुटुंबबद्ध कर सकते हैं। बिट्स की क्षमता में वृद्धि के कारण ही क्वांटम कंप्यूटर अधिक तेज व शक्तिशाली साबित होते हैं। आगे उद्देश्य और आधारित हैं, उसके बारे में आप अच्छे से जान
लेना। हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, बस हमने अनुपयोग आधारित ये 5 कंप्यूटरों के बारे में आपको बताया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मेरी गलतियों को मुझे बताते रहें जिससे कि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं, क्योंकि मेरी ये अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है।